आप देख रहे हैं बी ऑनलाइन बिहार न्यूज, मैं निश कुमार पटेल। गृह विभाग के द्वारा लगातार जो है वो एक सैन्य बहाली को लेकर के, जिस कानून को लेकर के बिहार में लगातार इसका आक्रोश जाहिर की जा रही है युवाओं के द्वारा, जो पढ़ने वाले हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जो सैन्य की तैयारी करते थे, उनके द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए पहुँचे हुए हैं पूर्व राज्य सैनिक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं हरेंद्र कुमार तिवारी जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये कानून सही है या गलत, या जो ये कानून निकला हुआ है इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है, क्या ये युवाओं के लिए सही है या गलत। सर पहले तो हमारे चैनल में आता बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से युवाओं के द्वारा काफ़ी प्रदर्शन किया जा रहा है एडमिशन युवा को लेकर के, क्या यह सही है या गलत है युवाओं के लिए? देखिए, मेरा मानना है यह कहीं न कहीं भ्रांति फैलाएगी जी, क्योंकि जिस देश में अगर सर्विस की इतनी कमी थी जी, नौकरियां भी बहुत कमी था, सरकार एक तो आपको अवसर दे रही है, नौकरी दे रही है और वो भी आपको डिफेंस में, आर्मी की एक बच्चों का आजकल खास करके शौक होता है कि हम आर्मी में ज्वाइन करें जी। लोगों में गलत भ्रांति इसमें लोग फैलाया गया, क्योंकि अगर ये कह दिया गया कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, अब आप ये सोचिए कि 4 साल अगर नौकरी नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं जी। तो मुझे लगता है ये लोगों के बीच, बच्चों के बीच में गलत फहमी है। और जहाँ देखिए, जिस प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, इसके बहुत से फायदे हैं, क्योंकि तो युवाओं जहाँ पे बच्चे के द्वारा क्रूज की गई थी, युवाओं के द्वारा, उन्होंने लोगों ने कहा कि 5 साल हम लगातार जो है वो NCC का कोर्स करें और 4 साल के लिए हम क्या नौकरी करें, क्या ये सही है, सरकार हमें झुंझुना दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों का एक कहना मैं मानता हूँ, 5 साल 4 साल लगता है NCC कोर्स करने में, लेकिन एक NCC कोर्स करने का मतलब ये नहीं होता है कि फौज के लिए फिट हो गया। NCC कोर्स में आपको बेसिक ड्रिल बताए जाते हैं जी, वेपन के साथ आपने ड्रिल कर लिया, वेपन ट्रेनिंग नहीं होती है, एक सिंपल फायरिंग दिखाया जाता है रेंज पर कि भैया राइफल असॉल्ट राइफल जो SLR है उससे फायरिंग केवल करना सिखाया जाता है। वो चीज़ें एक आर्मी के जवान कहने के लिए नहीं हो सकता कि वो आर्मी का जवान बन गया, केवल एक उसको एक रास्ता मिलता है जिसके लिए कि आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उसको सहूलियत दी जाती है। आप तो एक सेना के जवान रह चुके हैं, क्या कहेंगे ये कानून जो सरकार के द्वारा लागू की है, क्या ये सही से माना जाए या नहीं? देखिए, आजकल जो विकसित देश है, मुझे लगता है कि जो मॉडल, क्योंकि चार साल बाद युवा क्या करेंगे? देखिए, एक तो पैटर्न बदल रहा है, युद्ध का पैटर्न बदल रहा है, अभी वो पहले वाला जो समय नहीं है कि जो युद्ध बुलेट फायरिंग होती थी पहले, आजकल ऐसा नहीं है, सब ऑफेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, एयर स्ट्राइक्स होते हैं, बाद में नीचे से कैप्चर किया जाता है जी। तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है, और अगर गवर्नमेंट ने जो स्कीम लिया, इसके दो फायदे हैं, मैं तो ये कहूँगा इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले कि हमारी जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आज के 4 साल के बाद, क्योंकि अभी जो लिए जाएंगे, हालांकि हमारी इंडियन आर्मी एयरफोर्स बहुत ताकतवर है और काफ़ी एक्सपीरियंस और उनकी इतनी ट्रेनिंग है कि कहीं किसी भी देश से मुकाबला करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में और भी बेहतर होगी अगर ये जो स्कीम सरकार लाई, क्योंकि अब क्या होगा कि 4 साल के लिए ले रही है, मान लीजिए 100 लड़के को 4 साल के लिया और उसमें से 25% बच्चों को फर्दर आगे के लिए रखेगी, वो डिपेंड करेगा उनके कोर्स पर, उनकी एबिलिटी पर। तो आप यूँ कर सकते हैं कि 4 साल एक और आर्मी में उन जवानों को मौका दे करके क्रीम बच्चों को निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि वो 25% जो और क्रीम जो स्किल्ड होंगे लड़के वो ले जाएगी, जिससे कि हमारी आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग स्किल्ड आर्मी होगी। दूसरा इसका असर होगा हमारे हेल्थ पर, जैसे कि आप जानते हैं जितने लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे
नेचुरली एक उनके पास हेल्थ अवेयरनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि एक डिफेंस में जाते ही आपकी हेल्थ पर सबसे बहुत बड़ा फोकस होता है। तो इससे आने वाले समय में हमारा देश सरकार के द्वारा ये कही जा रही है बात के द्वारा कि ये लोग जो है वो फ्रंट लाइन पे नहीं आएंगे, कहीं अगर किसी युद्ध होता है किसी देश से तो उस समय लोगों को आगे नहीं ले जाएंगे। ये नेचुरली, क्योंकि अगर आपको 6 बजे की ट्रेनिंग दी जाए तो आप स्किल्ड सोल्जर अभी नहीं बन पाएंगे, माने वो सोल्जर जो कि वाकई लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। आखिरी लोगों की बहाली क्यों हो रही है, किस कारण से, किन कामों के लिए इनकी बहाली हो रही है? मुझे लगता है कि इनकी बहाली का सबसे मेन मुद्दा है, मेन कारण यह है, एक तो हमारी आर्मी को ज़्यादा स्किल्ड आर्मी बनाना, दूसरा रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त करना देना लोगों को, चूँकि रोजगार आजकल समस्या सजग रही है। इससे क्या हुआ, रोजगार बढ़ेंगे और 4 साल के बाद आएंगे, फिर 4 साल के बाद अगले जनरेशन जाएगी और हेल्थ हमारी देश की जो हेल्थ की जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। मेरा मतलब ये है कि सरकार का मुख्य चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी इसके माध्यम से दिया जाए, क्योंकि रिटायर भी आएंगे तो उनको कुछ पैसा मिल जाएगा और चूंकि एक स्किल्ड होंगे, एक आर्मी के जवान होंगे तो उनको बाकी भी कई जगह से सरकार, देखिए आप दे रहे हैं सुन रहे हैं, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि भाई हम उनको प्रियोरिटी देंगे, ये भी फायदा होगा ऐसा नहीं। आगाह कर दिया, क्या कहेंगे इसको, अग्निपथ, जी हाँ आगाह कर दिया। देखिए अग्निपथ को लोगों ने आगाह किया है क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है जी। और इस देश में बोलने का अधिकार है जी, किसी के खिलाफ कुछ बोल दो, लेकिन मिसगाइड नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि मैं यही बात फिर कहता हूँ कि जहाँ पर बिल्कुल ही इसको राजनीति की जा रही है, राजनीति हमारे देश की, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की राजनीति इतनी लो लेवल पर है कि किसी भी स्तर तक लोग जा सकते हैं। अभी सरकार एक पहल कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, भले जहाँ कुछ भी नहीं था तो कुछ दे रही है ना भाई जी, हम कहते हैं जहाँ बिल्कुल सर्विस नहीं था आपको इतना % लोगों को दे रही है, उसी में से 25% लोग जाएंगे आगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएंगे, तो उनको दे रही गेट दी अपॉर्चुनिटी टू सर्व फर्दर इन द आर्मी, दैट विल बी बेनिफिशियल बोथ फॉर इंडियन आर्मी एंड नेशन ऑल्सो, क्योंकि हमारा सेल्फ हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगा, तो ये सब देश के लिए बढ़िया मुझे लगता है। लोगों को फैमिली नहीं रहनी चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। तो युवाओं के द्वारा जो आक्रोश किया जा रहा है, जो जो धरना प्रदर्शन किया जा रही है, गलत है। हाँ गलत है, मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना चाहिए। हमारे बच्चे चूँकि अभी युवा वर्ग है जी, काफ़ी हाई टेम्पर होते हैं, रोजगार की कमी है, तो देखो ये कि जहाँ रोजगार नहीं है तो बच्चे यही सोचते हैं हम क्या करेंगे, 4 साल में हम वापस आएँ कहाँ जाएँगे। देखिए 4 साल के बाद भी अगर आप आएँगे तो सरकार एक लमसम आपको कुछ सेवाओं देगी, 4 साल तक भी आपको तनख्वाह देगी। आपके अनुसार से ये कानून जो है वो सही है? सही है, मुझे लगता है कि ये अच्छा है, सरकार ने जो कदम उठाया है ये दोनों हमारे लोगों के लिए भी और देश के लिए अच्छा है। भविष्य, इसका भविष्य जो है काफ़ी बेटर होगा इससे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, चीन है, अमेरिका है, यहाँ जिन्होंने अपनाया है, क्योंकि आज देखिए सुपर पावर है, तो हम अगर उस रास्ते पर चल रहे तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक संघ अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे उस युवाओं के लिए? एक कहिए पूरे सैनिक संघ जिला बक्सर का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी देश के तमाम बच्चों को यही मैं कहूँगा कि आज लोग देश के साथ चलें, देश की हमारा तिरंगा झंडा का जैसे ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसी तरह से इस झंडा को ऊंचा रखे, इसको नीचे न झुकने दें, और इसका एक ही तरीका है कि आप आर्मी ज्वाइन करें और देश को मजबूत बनाए। हो सकता है आप 4 साल में आप हो कि जो भी 25% में आप जाएं और आप झंडा लेकर के जैसे कारगिल में हमारे जवानों ने फहराया था वैसे आपको मौका मिले कि आप भी फहराए, अपने देश को किसी भी हालत में झुकने देना चाहिए और इसके लिए जो सरकार सही कदम उठाती है तो हमें कंधा से कंधा मिलाकर उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।